कोझिकोड में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, केरल में मिला निपाह वायरस का 5वां केस। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के खतरे के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को 2 दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिले में ये फैसला निपाह वायरस का 5वां केस सामने आने के बाद लिया गया। इसी कड़ी में सभी स्कूल और कॉलेज 14 और 15 सितंबर को बंद रहेंगे। कोझिकोड जिले में छुट्टी की घोषणा कलेक्टर ए गीता ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए की। हालांकि इस दौरान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर सकते हैं। ताजा मामले में एक 24 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि निपाह वायरस की चपेट में आया 9 वर्षीय बच्चे की हालत बेहद गंभीर है और उसके संपर्क में आए 60 लोगों की भी पहचान कर ली गई है। खबर है कि जल्द ही ICMR निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उपलब्ध कराएगा। माना जा रहा है कि संक्रमण का एकमात्र इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ही है, लेकिन चिकित्सकीय रूप से ये अभी तक सिद्ध नहीं हो सका है। ऐसे ही पल पल की छोटी बड़ी और देश विदेश के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन दबाकर अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंचे। जानकारी हासिल करने के लिए धन्यवाद।